सीरियस स्पीक से मैं हूँ आपके साथ रोशनी यादव। बिग बॉस 16 में ले चलते हैं आपको, बता दें कि क्या कुछ खास जो है शो के अंदर हो रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है शो में, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कंटेस्टेंट्स को भी और बाहर देख रही ऑडियंस को भी। जी आपको बता दें, ये शो के अंदर एंट्री ले ली है फराह खान और अनिल कपूर ने, और दोनों ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मस्ती मचा दी है घर के अंदर। कंटेस्टेंट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती वाली बातें कर सबको खुश करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। फराह खान वहाँ पर जाकर जो है इंट्रोड्यूस करती हैं अनिल कपूर को बहुत ही अच्छे और इनोवेटिव स्टाइल में, काफ़ी कुछ उनके बारे में बोलती हैं। उसके बाद जो अनिल कपूर की एंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा स्पेशल नज़र आ रही है। वहीं पर वो एमजी स्टैंड से मिलते हैं और उन्हें अपना डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस तरीके का जो है किरदार मजनू भाई का निभाया हुआ होता है। और सबसे स्पेशल चीज़ ये हो गई है कि जब वो अर्चना को बुलाते हैं और अर्चना के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो वो अर्चना को अर्चू बुला देते हैं प्यार से। वहाँ पर अर्चना जो है मदहोश हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उन्होंने उनको इतनी प्यार से किसी ने नहीं बुलाया होता। और फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हैं, बहुत कुछ अंदर से फील कर रही होती हैं, बटरफ्लाइज उनके आसपास। और देखा ये जा रहा है कि जो अर्चना उनके लिए एक शायरी बोलने जा भी वाली है, काफ़ी अच्छे स्टाइल में खुद बनाकर एक शायरी क्रिएट करने वाली है। और अनिल कपूर उन्हें एक गुलाब भी देते हैं, जी हाँ, एक गुलाब का पोर्ट्रेट उन्हें देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले किसी ने जो है रोज़ नहीं दिया होता। और वो काफ़ी ज़्यादा अर्चना के लिए एक मेमोरेबल मोमेंट बन गया है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस शो में अनिल कपूर के साथ। तो क्या कुछ आगे होगा अनिल कपूर और फराह खान के आने से, क्या कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं शो के अंदर, देखना बहुत ही अहम होने वाला है। तमाम इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन एंड ओनली सीने स्पीक।